धन साथियों नमस्कार, मैं नीतीश चंद्रा आप सभी के समक्ष उपस्थित हो चुका हूँ एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आरआरबी की तरफ से। और आरआरबी चंडीगढ़ और कई अन्य आरआरबी के भी साइट्स पे ऑफिशियल नोटिस एक रिलीज किया गया है कल की डेट में, जो टेक्नीशियंस भर्ती के बारे में एक एडवांस नोटिस के रूप में जारी किया गया है। तो अभी आपके सामने खुला हुआ है आरआरबी चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट, तो इसमें हम लोग देखते हैं कल के डेट में कौन कौन सी नोटिस जारी हुई है। तो कल के डेट में दो नोटिस यहाँ पे दिख रहा है 29/1/2024 को, एक है एएलपी के रिगार्डिंग और दूसरा है टेक्नीशियन पोस्ट्स के रिगार्डिंग। तो पहले हम लोग टेक्नीशियन पोस्ट के रिगार्डिंग नोटिस को देख लेते हैं और इसमें क्या कुछ है। तो इस नोटिस को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, एडवांस नोटिस रिगार्डिंग सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियंस इन इंडियन रेलवे। डियर कैंडिडेट्स, द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबीज हैव रिसेंटली रिलीज्ड द सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन सीईएन नंबर 01/2024 ऑन द 20th of January 2024। दिस नोटिफिकेशन पर्टेंस टू बी रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट्स अक्रॉस वेरियस रेलवे जोन्स। RRBs are currently in the process of finalizing the release of another centralized employment notification specifically aimed at the recruitment of technicians, यानी technicians के लिए especially काम चल रहा है और RRB इस पर काम कर रही है। We are planning to release this notification soon, जल्द ही इसकी notification release किए जाने की भी तैयारी है। एस्पायरिंग कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली मॉनिटर द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ द आरआरबीज फॉर टाइमली अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट रिगार्डिंग दिस फोर्थ कमिंग नोटिफिकेशन, यानी टेक्नीशियन भर्ती के रिगार्डिंग आप आरआरबीज के साइट्स पर रेगुलर अपडेट लेते रहें। आरआरबीज आर कमिटेड टू मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल कैंडिडेट्स एलिजिबल एप्लीकेंट्स थ्रू आउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। फर्दर डिटेल्स इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसीजर्स एंड इम्पोर्टेंट डेट्स विल बी डिटेल्ड इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन वंस इट इज रिलीज। यानी कि बाकी चीज़ें जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएगी और ये कल के डेट में नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे रिलीज किया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक और नोटिस कल के डेट में एएलपी के रिगार्डिंग जारी किया गया, और एएलपी के रिगार्डिंग ये क्या है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसमें आप देखिएगा कोरिजेंडम टू पारा 5 and 5.2 ऑफ द डिटेल्ड सीईएन 2024 टू गिव रिलीफ टू मेनी कैंडिडेट्स हु मे हैव बिकम ओवर एज्ड। तो एज वाली जो लड़ाई की मांग यहाँ चल रही थी कि एज बढ़ाओ एज में, अब आप देख सकते हैं कि ये छूट दी गई है। एज लिमिट एज ऑन 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 के अनुसार एज कंसीडर किया जाएगा 18 से 33। डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन द डेट्स गिवेन बिलो, बोथ डेट्स इंक्लूसिव। ठीक है, तो एज ग्रुप 18 से 33 है। यू आर एन डी डब्ल्यू एस का डेट ऑफ बर्थ अपर लिमिट, यानी कि जो होना चाहिए उससे पहले नहीं होना चाहिए, तो 2/7/1991 से पहले का डेट ऑफ बर्थ आपका नहीं होना चाहिए। NCL यानी कि OBC नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें आपका 2 जुलाई 1988 से पहले का नहीं होना चाहिए। SC ST की अगर आप हैं तो 2 जुलाई 1986 से पहले का नहीं होना चाहिए। और लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ जो है, यानी उसके बाद का नहीं चलेगा, तो 1 जुलाई 2006 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो ये आपको एज क्राइटेरिया में जो कुछ संशोधन किया गया है उसको आप देख सकते हैं। फिर यहाँ नीचे दिया गया है इफ ए कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन ऑन मोर देन वन ग्राउंड ही या सी विल गेट मैक्सिमम अमंगेस्ट द रिलैक्सेशन विच ही या सी इज एलिजिबल नॉट कम्युनिटी। SC ST and OBC NCL कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट UR वैकेंसीज विल नॉट गेट एनी एज रिलैक्सेशन। अगर आप UR कैटेगरी से SC ST OBC वाले अप्लाई करेंगे तो आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। उसके बाद नीचे देखिएगा ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द डिटेल्ड इतना CEN 02/2024 रिमेन अनचेंज। अन्य जो इन्फॉर्मेशन है कंडीशंस है वह चेंज नहीं हुआ है। कैंडिडेट्स विथ रिलैक्सड एज कैन सबमिट एप्लीकेशन 31/1/2024 12 PM ऑन वार्ड्स, यानी 12 PM तक 31/1 को आप 1 तक फॉर्म भर लें।
या तो आपको सॉरी ये आपको 31-1 से आपको ये चेंजेस क्या होंगे तो लागू हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।